हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सिमरन हमारे साथ हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी जमोवी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यूजिंग एसपीएसएस। सिमरन का जो क्वेश्चन राइट था सर, वेरी कि गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सिमरन, यस प्लीज। Yes, so we were talking about SPSS. So we learned SPSS. My question was that SPSS is a paid software. So till that I have access to it, can I practice this with some free softwares available? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं। आर इज द मोस्ट पॉपुलर, जैस्प है आपके पास, जमोवी है आपके पास। हाउएवर आई वुड रिकमेंड यूजिंग जमोवी, और उसके रिकमेंडेशन का रीजन भी मेरा यह है कि जमोवी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आर, एज रोबस्ट एज आर। तो उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, या कभी भी ये क्वेश्चन नहीं होगा हमारे सामने या किसी के भी सामने कि भाई ये आपने क्यों यूज किया और दिस इज नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट। सो जमोवी इज कम्प्लीटली एज रिलायबल एज एसपीएसएस एंड एनी अदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। सो लेट अस सी, थोड़ी सी बात करते हैं पहले बेसिक बैकग्राउंड की, कहां से हमने स्टार्ट किया था फैक्टर एनालिसिस। इफ यू कैन रिकॉल, तो शायद सेकंड वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि भाई एक क्वेश्चन आया डेवलप करना है, और यहाँ भी वो सेम वही डेटा है। अगर आप देखेंगे वेरिएबल 1, 2, 3, 4 से लेके और रूरल टूरिज्म के इंटरेस्ट वालों का डेटा हमारे पास यहाँ भी है। बस एक चैलेंज ये हो सकता है इस वाले सेट में, क्योंकि हमने यहाँ इसको स्टेटमेंट को नाम नहीं दिया अभी तक, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। बट पिछले वाले सेट में पेपर के साथ हमने देख लिया है, तो अभी सिर्फ ये देखते हैं कि हाउ टू परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस ईएफए यूजिंग जमो। तो इसमें आपको एक एडिन होता है साथ में फैक्टर। जब आप फैक्टर में जाते हैं तो फैक्टर आपको तीन अलग अलग ऑप्शन देता है, प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। इफ यू कैन रिकॉल, जब हम एसपीएसएस से इसे परफॉर्म कर रहे थे, आपको बड़े आसानी से याद होगा कि हमने जब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म किया तो उसने हमसे कहा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करें, और हमने कहा क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इफ यू कैन सी दिस, आपको एसपीएसएस की स्क्रीन विजिबल है? नहीं है, नहीं सर, अभी आई कैन सी जा मूवी. ये देखिए एसपीएसएस की स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो यस सर, नाउ इट्स विजिबल. यहाँ जब हम फैक्टर एनालिसिस कर रहे थे तो इसने एक्सट्रैक्शन में हमको कहा एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है। हाउएवर देयर आर मल्टीपल मेथड्स, एसपीएसएस के लिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस या फैक्टर एनालिसिस के लिए साथ में पीसीए इज द बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, लेकिन आपके पास वो सारे ऑप्शन होंगे जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जो लोग बाद में, जिनको सीएफए के लिए जाना है, वो शायद प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग को ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम लाइकलीहुड फैक्टरिंग को भी यूज करते हैं। बहुत डिटेल इसको पढ़ना होगा अपने को एक बार कि कब कौन सा यूज कर सकते हैं, लेकिन जमोवी बीइंग द स्मार्टर वन, जमोवी ने क्या किया, हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अलग दे दिया और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस अलग दे दिया। हम एक बार तुरंत परफॉर्म करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वी विल बी लुकिंग फॉर प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में आप जब जाएंगे तो लाइक एसपीएसएस हमने जो स्टेटमेंट्स को कॉपी किया था, उन सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, वेरिएबल में ड्रैग कर देते हैं, और आप देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमने यूज किया तो ये फिर से हमसे कह रहा है वेरीमैक्स। बट वी हैव अ लिबर्टी, हम इसमें से वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स, प्रोमैक्स, ऑर्थोमैक्स, जो भी मेथड हमको ठीक लगता है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट वेरीमैक्स इज द मोस्ट रिकमेंडेड। नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, ये एक अलग तरह की एनालिसिस है, पैरेलल एनालिसिस और बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू। एसपीएसएस की बात माने तो हमने किस पर बेस किए थे अपने कॉम्पोनेंट्स? आइजन वैल्यू के बेसिस पर, आइजन वैल्यूज पे किए थे। यहाँ पे वो लिबर्टी है एसपीएसएस वाली, जहां पे आप कहते हो फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिक्स नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स आपको बनाने हैं। लाइकवाइज आप बार्टलेट टेस्ट, केएमओ टेस्ट, ये सारे सिलेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट loadings by size 0.3 is by default, but you can definitely change it 0.4. Component summary, component correlation, scree plot, initial eigenvalue, eigenvalues. अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आप ये सारी बातों को, सारे options को एक बार क्लिक कर दीजिए and you will get these results. अब आप देखेंगे आपका जो table rotated वाला सबसे last में आया था SPSS में, वो rotated table हमारा यहीं पे आ गया। वहां कई सारे स्टेटमेंट्स थे जो कंफ्यूज कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ दो स्टेटमेंट है, वेरिएबल 18 और वेरिएबल 3। और वेरिएबल 18 को हमको हटाना होगा फैमिली नंबर 1, मतलब फैक्टर 1, और वेरिएबल 3 को हमको हटाना होगा फैमिली नंबर 2, फैक्टर नंबर 2। और आप आगे देखोगे असम्पशन चेक्स,
आपके जो होते हैं बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फियरसिटी, ये आपको बता रहा है कि दिस इज लेस देन 0.00, मींस 99% कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। KMO भी आपको ये बता रहा है, ओवरऑल KMO इज 905, हालांकि जमो भी इज बिट एडवांस वन, आपको फैक्टर वाइज सॉरी आइटम वाइज सारे वैल्यूज बता रहा है। आइजन वैल्यूज को देख के हम डिसाइड कर पाएंगे कितने फैक्टर्स बनने चाहिए हमारे, थ्री, और हमने देखा इसने ऑलरेडी थ्री फैक्टर्स ही बना के हमको दिए हैं कंपोनेंट एनालिसिस करके। थ्री प्लॉट यहाँ पे ये एक लाइन भी ड्रॉ करता है, थ्री पॉइंट्स दे रहा है, थ्री पॉइंट्स इसने हमारे लिए बनाए। सारी चीजें जो हम स्पेसेस में कर पा रहे थे वही सारी चीजें हम जम्मू में, ये उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है स्पेसेस के लिए। And we can also see the results parallelly in addition to whatever we take, and also we have the parallel screen here as well. और वो जो आपके पास ऑप्शन था आगे SPSS में ऑप्शन सेव करने का कि आपको उनके आगे रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है, क्लस्टर एनालिसिस MDS परफॉर्म करना है, तो आप उनको सेव कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर है, यू कैन सेव दोज स्कोर्स आल्सो। ये अभी हमने जो अप्लाई किया था वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, लेट अस डू इट एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस आल्सो, और एक बार देखने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या अलग है। सारे स्टेटमेंट्स को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रक्शन यहाँ पे मिनिमम रेजिडुअल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपके लिए स्पेसेस में होती है। मिनिमम रेजिडुअल इज अ न्यू वन, मिनिमम रेजिडुअल रख सकते हैं आप, माने जो भी मेथड आपको ठीक लगता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। रोटेशन इज ऑब्लिमिन, बाय डिफॉल्ट इसने ऑब्लिमिन सिलेक्ट किया वेरी मैक्स, क्योंकि ये हमने पहले से नाम सुन रखा है, पॉपुलर है, वेरी मैक्स रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू क्लासिफिकेशन करना है हमको, बार्टलेट भी चाहिए, KMO भी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी 0.4, शॉर्ट कर दीजिए, आसान हो जाएगा हमारे लिए सारे कैलकुलेशन करना। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही कर दिया ना, बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू इसने सारे फैक्टर्स एक ही बना दिए, सारे एक ही फैक्टर्स में है, कहीं अलग नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे चेक करता बेस्ड ऑन पैरेलल एनालिसिस तो ये मुझे बता रहा है कि देयर आर फोर फैक्टर्स, और आप इसमें उसकी तरह स्क्री प्लॉट, इनिशियल मॉडल फिट, फैक्टर समरी, फैक्टर कोरिलेशन, वो भी सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यूजिंग मिनिमम रेजिडुअल मेथड हमसे कह रहा है चार अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जब वो भी में कह रहा है कि हमारे पास तीन मेथड है, लेकिन ये जो फैक्टर एनालिसिस है इसके लिए हम पैरेलल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, तब ये कह रहा है चार फैक्टर है, अदरवाइज अगर आइजन वैल्यू बेस्ड कहेंगे तो ये कहेगा एक ही फैक्टर है, ये सारी चीजें अलग अलग है नहीं। जमो वी डू नॉट, ये जो सॉफ्टवेयर का जो कहीं बैकएंड पे जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो भी होगा ना, ये कहते हैं कि नहीं भाई आइजन वैल्यू के बेस पे आप हमेशा ये डिसीजन नहीं ले सकते। मॉडल फिट इसके थोड़े से एडवांस है इवन इन कंपेरिजन टू SPSS, आप देखेंगे RMSE, रूट मीन स्क्वायर एस्टिमेशन, PLI, टकर लेविस इंडाइसेस, काई स्क्वायर, मॉडल फिट इंडाइसेस, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा एडवांस मेथड, एडवांस टेक्निक्स यहाँ पे जमो भी दे देते हैं। KMO वैल्यू वही है 905, स्क्री प्लॉट पे हमने क्लिक किया हुआ है तो स्क्री प्लॉट भी दिखाएगा हमको, और ये देखिए स्क्री प्लॉट के हिसाब से ये कह रहा है आपको कि ये सिमुलेशन किया इसने डेटा के साथ। पैरेलल एनालिसिस में क्या करता है, इसी डेटा को क्लासिफाई करके कुछ डेटा को यूज करता है ट्रेनिंग के लिए, कुछ डेटा को यूज करता है सिमुलेशन के लिए, दिस इज अ सिमुलेशन बेस्ड एनालिसिस। लेकिन जब आप इसको आइजन वैल्यू क्लिक कर देंगे तो आपको ये फर्क मालूम पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा ये कह रहा है वन फैक्टर है और उसमें कोई सिमुलेशन या कोई इंसाइटफुल ऑफ द डेटा ये काम नहीं करेगा। दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म फैक्टर एनालिसिस यूजिंग जमू भी। इसमें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो बात कर सकते हैं। Sir, I just wanted to know, in the last session when we were applying the same factor analysis using SPSS, तो आइजन वैल्यू के बेसिस पर ही उसने चार फैक्टर्स भी डिवाइड किया था, बट JMOV में आइजन वैल्यू के बेसिस पर उसने एक फैक्टर बना दिया बस। ये सारे अलग अलग स्टैटिस्टिक प्रोसीजर हैं। जब हम यहाँ पे आइजन वैल्यू के बेसिस पे बात कर रहे थे तो आप एक्सट्रैक्शन में देखोगे आपके पास प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनालिसिस था, लेकिन वहां पे एक्सट्रैक्शन में आपके पास मिनिमम रेजिडुअल मेथड है।
अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ, मिनिमम रेजिडुअल मेथड तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड के साथ अगर इसे करने की कोशिश करूंगा एंड बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू रोटेशन इज वेरी मैक्स, ठीक है, और फिर देखते हैं हमारे रिजल्ट्स कितने मैच करेंगे। रोटेटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे और ये चार फैक्टर्स हमको आइजन वैल्यू से ही बना के दे रहे हैं, लेकिन जमोवी के साथ जब हम इसे मैक्सिमम लाइवलीहुड मैथड एंड बेस्ड ऑन आइजन वैल्यू अगर बनाएंगे तो भी ये नहीं कर रहा। तो यस, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, सर्टेनली डिफरेंट टेक्निक्स, और उनके डिफरेंट फार्मूला हैं, उनके डिफरेंट एस्टिमेशन हैं, ये रिजल्ट्स आपको चेंजेस मिलेंगे। बीइंग अ रिसर्चर, हमको कोई भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक पकड़नी होती है और उसकी जस्टिफिकेशन सर्च करनी होती है। ब्यूटी ऑफ जमोवी इज कि आपको जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के रेफरेंसेज हैं ये आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ये तो इनके सॉफ्टवेयर का रेफरेंस है, ये कह रहे हैं लैंग्वेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। रेविल डब्ल्यू ने एक पेपर लिखा होगा साइक प्रोसीजर ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक एंड पर्सनैलिटी रिसर्च आर पैकेज, ये सारे साइटेशन ये पेपर पढ़ने के लिए आपको रेफरेंस में अलग से आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएंगे। That will help you कि भाई ये इसकी methodology में और उसकी methodology में क्या difference है। SPSS works on a single method, लेकिन जब भी आपके आप देखोगे simulation method पे काम कर रहे हैं, which is not the capacity of SPSS. समझ पा रहे हैं? आसान है? या yes yes Not very easy, but yes, it requires practice. बिना practice के आप कुछ नहीं कर पाएंगे. This is for sure. चलिए, thank you. Thank you so much, sir.